हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू बेटर यूट्यूब चैनल। आपका हम अपने प्यारे से खूब से जब बहुत ज्यादा आपको स्वागत करते हैं। और आज जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कंडक्टर। और ये थ्री नहीं है बच्चों, ये है हमारा एप्लीकेशन नंबर फोर, यानी कि चौथा एप्लीकेशन मैंने बताया चौथा एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, जो पहला एप्लीकेशन था उसमें मैंने एक लॉन्ग वायर ले लिया था इनफिनिट लेंथ का। और जो सेकंड एप्लीकेशन था, एक नॉन कंडक्टर प्लेट था, सीट था, एक चादर था, और इसके बाद एक कंडक्टर प्लेट था। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था कि आपके पास जो प्लेट होता है दो प्रकार का होगा, एक आपका होता है कंडक्टर प्लेट और एक प्लेट आपका होता है नॉन कंडक्टर। तो जो कंडक्टर प्लेट होता है चार्ज उसमें बाहर फैलता है, कंडक्टर प्लेट में चार्ज बाहर फैलता है, और नॉन कंडक्टर में क्या होता है चार्ज अंदर रहता है। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। तो अगर आपने क्या किया, इस लेक्चर को स्किप कर दिया, तो प्लीज जाइए इसके प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में जाइए, उसको देखिए, और 100% मैं बताता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा आप लोग को। मैं 100% बताता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एंड तक, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसमें आपके दो एप्लीकेशन और बचे हैं, एक ये वाला, इसके बाद एक और होगा। जैसे यहाँ पे कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर होगा, यानी कि आपके पास एक स्फेरिकल नॉन कंडक्टर होगा, उसको चार्ज करेंगे तो उसके चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होता है, वो कैसे डिस्टेंस के साथ वेरिएट करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट। आपको अगर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीपली समझना है तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को लास्ट देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे अगर प्ले लिस्ट में ना जाके देखेंगे तो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का वीडियो आपको सिस्टमेटिक मिलता रहा होगा, कहीं से कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। ओके, सो लेट स्टार्ट द क्लास। ओके, तो ये हमारा एक नॉन कंडक्टर, सॉरी एक कंडक्टर प्लेट है, इसका सेंटर ओ है, और इसकी मैं रेडियस की बात में कर दूं, इसका रेडियस आर है। अब एक्चुअली में है क्या, कैसा प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है। तो कंडक्टर प्लेट में क्या होता है, चार्ज आपका आउटर सरफेस से फैलता है, ये बात नोट कर लो अपने दिमाग में आज, कि कंडक्टर में चार्ज कहां फैलता है, बाहर, कंडक्टर में चार्ज बाहर फैलता है, कंडक्टर में चार्ज कहां फैलता है, बाहर फैलता है। इतनी बात समझ में आया, ये क्या था, एक हमारा कंडक्टर प्लेट था, चार्ज कहां हो गया, इसके आउटर सरफेस पे फैल गया। अब इसकी वजह से इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी होगा जहां पर आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही बात, ध्यान समझिए। तो अब वो पॉइंट कहां हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और वो पॉइंट कहां हो सकता है, अंदर हो सकता है। तो मैं इसमें पहला केस बना रहा हूं, कह रहा हूं कि व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड, मेरे कहने का मतलब है कि वो जो पॉइंट पी है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो अभी बाहर है, वो भी कहां है स्टूडेंट, बाहर है। ठीक है, तो जब वो बाहर है तो मान लेते हैं कि वो आपका यहां कहीं पर होगा, तो अब पॉइंट पी पे अगर आपको यहां से डिस्टेंस दिखाना हो तो कितना हो जाएगा, आर डिस्टेंस। अब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे पास होने वाली एक क्या सपोज करेंगे, गॉसियन सरफेस। तो यहां से मैं क्या सपोज कर दे रहा हूं, गॉसियन, ये देखो, एक मैंने क्या सपोज कर दिया, गॉसियन सरफेस सपोज कर दिया। इतनी बात समझ में है, तो अब आपको क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस के पॉइंट पी पे थोड़ा सा एरिया ले लो, और यहां पे जो एरिया होगा वेक्टर डीए वो बाहर होगा। अभी जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगा,
बाहर होगा। वास्तव में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए दोनों क्या है, एक ही तरफ में बाहर जा रहे हैं। तो पहले थोड़े से एएस निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब थोड़ा सा आ जाएगा क्या करना पड़ेगा, उसका क्लोज इंटीग्रल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। आपको समझाया था पहले थोड़ा सा निकालो इसके बाद उसका क्लोज इंटीग्रल कर दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ डीए, डीए से कितना फ्लक्स होगा उसके बारे में देख रहे हैं। तो फार्मूला डी फाई ई इज इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा। बट यहां पे क्या है, दोनों एक ही तरफ होते हैं, दोनों क्या है एक ही तरफ है, तो याद कर लो इस फिगर में एक ही तरफ होता ही है, ठीक है। दोनों को दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है, तो ये कॉस जीरो वन हो गया। तो डी फाई ई जी ये एंगल थीटा था बट्टा ई और डीए के बीच है बना एंगल है, यहां पे ईवी बार और डीए दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, यहां पे एंगल जीरो हो जाएगा। तो ईडीए आ गया, तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, क्लोज कर दो। तो ई डीए ये क्या हो गया फाइव ई, ये ई और इसका पूरा ये कितना है फोर पाई आर स्क्वायर। अब फाइव का क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, फोर पाई आर स्क्वायर। क्यों क्या है, इस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड चार्ज, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आता है, तो कितना है क्यू चार्ज है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कितना चार्ज फैला हुआ था यहां पे क्यू, यहां से इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से जो एक रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट ये मिल रहा है यहां से E प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। जब कोई भी पॉइंट बाहर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस तरीके से वेरिएट करता है। अच्छा ये तो बाहर था, अब इसका के सेकंड भी आ सकता है। बाहर ये होता है कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता हुआ चला जाता हुआ। कैसे कैसे वेरी कर रहा है, E प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा जब ये पॉइंट बाहर ना हो कहां पे आ जाए, सरफेस पे, इफ है पी कहां हो इज एट सरफेस, ये सरफेस पे आ जाए यही कहीं पे आ जाए। तो जब यही कहीं पे आ जाए इसका मतलब क्या, स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया कैपिटल आर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो केस सेकंड हो गया। अच्छा ये सरफेस पे भी हो सकता है, केस थर्ड ले लो, केस थर्ड ले लो, जब पॉइंट पी क्या हो इनसाइड हो, इफ पी इज इनसाइड। अच्छा देखो अब की बार ये पॉइंट आपका पी यहां पे आ गया, जब इससे पास कराओगे गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे देख रहे हैं ना, यहां पे एरिया सपोज करो, देखो अब ध्यान से दिमाग लगाओ पहले, जब ये पॉइंट पी आपका अंदर हो गया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा। अब पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता कि नहीं होता आपको बताएंगे अभी हम, डीए डीए बाहर हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ जब ये पॉइंट पी जो बाहर सबकी बार कहां हो गया अंदर, तो अब बताओ इस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज गिरा है, तो आपको पता है कि पूरा का पूरा चार्ज हमारा कहां है बाहर है, गॉसियन सरफेस कहां है अंदर है, तो इससे कोई चार्ज नहीं गिरा। तो जब क्यू जीरो हो गया तो क्यू जीरो रख दो, यहां पे इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि आपके पास एक चार्ज का स्फीयर कंडक्टर हो, आपके पास क्या हो एक चार्ज स्फीयर कंडक्टर हो, तो उसके अंदर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो अंदर में आप कहीं पर भी जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो अगर किसी भी चीज को, अगर किसी भी मशीन को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचाना है तो क्या करो उसके अंदर रख दो, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से किसी भी मशीन को सील्ड कर देना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो अगर आप इसके अंदर आ भी जाते हैं बैठ भी जाते हैं ऊपर से चार्ज फैला हुआ है तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है कि किसी भी मशीन को किसी भी डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचा ले जाओ। अब कैसे बचाओगे, आप किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर रख दो, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है।
ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, ग्राफ कैसे इसका वैरी करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो नोट डाउन इट। स्टूडेंट क्या था कि जब आपका पॉइंट आउटसाइड था, आउटसाइड में, तो फार्मूला इज इक्वल टू आ गया था 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और जब आपका सरफेस पे था, सरफेस पे इज इक्वल टू हो गया था 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर का मतलब, लेकिन आर स्क्वायर क्या ज्यादा है, लेकिन अगर जब वो पॉइंट इनसाइड आ गया था तो इनसाइड पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब हमारे पास एक सपोज एक कंडक्टर है ऐसे, इस पे चार्ज क्या है, बाहर फैला हुआ है, इसका सेंटर ओ, रेडियस आर। तो इलेक्ट्रिक, ये आर को शो कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। तो देखो, जब तक आप देखो, आप क्या करो, ऐसे बढ़ते जाओ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब तक है, जब तक आप इसके अंदर है। लेकिन जैसे आप इसके सरफेस पे पहुंचते हैं, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम। लेकिन आर केवल सबसे कम यहीं पर होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं इसके पहले पे। लेकिन जब आप सरफेस पे पहुंचते, सबसे कम वैल्यू होता है, तो जब सबसे कम वैल्यू आर हो गया, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाहर अगर जाओगे तो घटता हुआ चला जाता है। तो ये ई पर को समान अपन आर स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार से आप ग्राफ यहां भी ड्रा कर सकते हैं। ये तो नहीं होगा भाई, ये तो नहीं हो सकता, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्योंकि अंदर जीरो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, यहां पे इसके बाद सप्रे नहीं कम होता, वो चला गया। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है, मैक्सिमम है, और यहां पे भी क्या है, सरफेस पे मैक्सिमम है। लेकिन जब इसके आगे आप बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा कम होता हुआ चला जाएगा। ये बहुत ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके समझने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर नॉन कंडक्टर। अब की बार आपके पास कंडक्टर नहीं है, वो कैसा है, नॉन कंडक्टर है, उसका कैसे होता है प्रूविंग, उसके बारे में नजर डालते हैं। सो नोट डाउन इट। ओके, ये रहा नॉन कंडक्टर। देखो आपको पता लगे नॉन कंडक्टर की क्वालिटी, मैंने क्या बताया था नॉन कंडक्टर की, वो आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन कंडक्टर की खासियत ये होती है कि जो चार्ज होता है आपका अंदर फैलता है, तो चार्ज आपका कहां फैल गया, अंदर। तो वही प्रोसेस है, अब इसका सेंटर क्या सपोज कर लो ओ, सेम प्रोसेस, सेंटर क्या हो गया ओ, इसका रेडियस क्या सपोज कर लो आर। अब यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट क्या हो गया पी, और इस पॉइंट पी पे क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो अब वही काम है, एक गॉसियन सर्किट ड्रा कर दो जो किससे पास करेगा, पॉइंट पी से। एक गॉसियन सर्किट ड्रा कर दिया जो किससे पास कर रहा है, थोड़ा सा सही सही बनाओ यहां पे, करो ठीक है, पॉइंट पी पे, पॉइंट पी से पास कर रहा है। अब वही काम पॉइंट पी पे क्या कर दो, एक थोड़ा सा एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आपके लिए समझना, थोड़ा सा एरिया सपोज कर दो, बाहर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां हो गया, बाहर हो गया। तो पहला केस इसमें फिर बनेगा वही चीज, इसमें भी पहला केस, केस वन, केस वन क्या है, व्हेन पी इज आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा, बोले इस पहले की तरह डी फाइव कल टू टी डी ए कॉस जीरो, तो डी फाइव कल टू ए इंटू डी ए, क्लोज कर दो, ये हमारा हो गया फाइव ए, ये हो गया 4πr2। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो गया, ए 4πr2। तो अब यहां से ई की जब वैल्यू निकालोगे तो 1/4πr0 क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, केस वन हो गया। सेकंड सेकंड जैसे थोड़ा डाल देते हैं, ठीक है, हम केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, पी कहां पे है, सरफेस पे है, तो वहां पे स्मॉल रिकॉर्ड भी क्या हो गया, कैपिटल आर। तो अब यहां पे चेंजमेंट कर दो, इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मुझे लगा इतनी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है आप लोगों को, इज इक्वल टू हो गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात हमारे समझिए ध्यान से, एक होता है जैसे आप लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कट हो गया था क्यू अपान वी, क्यू अपान एल। इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कट टू क्यू अपान ए, सॉरी सिग्मा कट टू क्यू अपान ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, रो कट टू हो जाता है क्यू अपान वी। यहां पर क्यू अपान वी, तो क्यू एक्ट यहां पर कितना हो जाएगा, रो इन टू वी, तो इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो रो इनटू वी अपॉन आर स्क्वायर। आप यहां पे भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, गलत नहीं है, ठीक है। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो रो वी कर्ड क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर पाई क्या हो गया, खत्म, आर स्क्वायर भी क्या हो गया, ये फिनोस हो गया। तो अब आपका क्या बचा, अब आपका क्या बचा, जो कुछ भी बचा वही राइट कर लो। तो आई थिंक ई कल टू बच गया रो अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू आर अपान थ्री। तो जब वो पॉइंट बाहर था तो कैसे था, वो परपोर्शनल वन अपान आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या है, ई परपोर्शनल आर हो गया, ई परपोर्शनल क्या हो गया आर। रो को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, याद कर लो, रो कल टू क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो का फार्मूला होता है क्यू अपान वी। आपको इसके बाद जस्ट वीडियो में मिलेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को। सो डोंट वरी, इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ओके। सो आप लोग क्या करिए, केस टू को भी नोट करिए, केस वन को भी नोट कर लीजिए, इसके बाद केस थ्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझते हैं। हाँ, केस थ्री ये है कि जब पॉइंट आपका क्या हो, इनसाइड हो, यानी कि वो पॉइंट आपका बाहर नहीं हो करके यही कहीं पे, मान लो गॉसियन सर्कल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। यहां पे एरिया सपोज करो डी ए, अब सुनो सुनो, इस पूरे से क्यू चार्ज गिर रहा था, यहां से कितना गिरेगा, क्यू डैश। तो आपके फॉर्मूले में क्या चेंजमेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इनटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहां पर बात यह बताऊंगा कि देखो, आप इसके लिए निकाल लो क्यू अपान वी और इसके लिए निकाल लो क्यू अपान वी, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो हमेशा सेम होता है, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सेम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है, यानी कि इसके लिए क्यू अपान वी निकाल दो, इसके लिए क्यू अपान वी निकाल दो, हमेशा सेम आएगा, ठीक है। ये होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। तो इसका क्यू अपान वी क्या हो जाएगा, क्यू अपान वी कितना, बड़े वाले के लिए फोर अपान थ्री पाई आर क्यू, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू डैश इसका फोर अपान थ्री, देखो खत्म हो गया। तो यहां से क्यू डैश इक्वल टू क्यू कितना आ गया, आर क्यू अपान यू। तो नोट डाउन करिए यहां पे इसको भी, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू डैश कितना हो गया, क्यू आर क्यू अपान अपान कैपिटल आर क्यू, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ अपान कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या हो गया, खत्म। तो इज इक्वल टू आ गया वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू आर अपान आर क्यू। ध्यान दो यहां से, ये रिलेशन क्या बन रहा है, ई परपोर्शनल वन अपान आर, यानी कि अंदर के लिए हमारा ग्राफ इस तरीके से वैरी करता है, अगर वो पॉइंट अंदर होगा तो ई परपोर्शनल आर होगा, लेकिन जैसे बाहर पहुंचता है तो बाहर के लिए क्या हो जाता है, ई परपोर्शनल वन अपान आर स्क्वायर। तो क्या करना है, मुझे इस ग्राफ को भी बनाना है, तो मैं सोचूंगा उसके पहले आप लोग क्या करिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर उसके ग्राफ के बारे में हम देखते हैं। देखो, जब पॉइंट आपका आउटसाइड था तो
ई प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r2। सरफेस पे था ई प्रोपोर्शनल आर था, और इनसाइड पे क्या हो गया, ई प्रोपोर्शनल आर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर शो कर दूं और डिस्टेंस को इधर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। तो एक कंडीशन देखो, पहले क्या होता है, जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वही करती है, ऐसे देखो बड़ो सरफेस पर, ये कहां तक है स्मॉल इक्वल टू कैपिटल, यानी कि यहां तक सरफेस पे ऐसे देखो वेरी कर रहा है ए प्रोपोर्शनल आर। लेकिन जब आप आर से बाहर जाने लगते हैं तो ग्राफ कैसे वेरी करता है, इस तरीके से। तो ये किसका ग्राफ है, ए प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। तो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, कि अगर आप नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर थे तो ग्राफ ऐसे वेरी करता है, बाहर जैसे जाते हैं सरफेस से तो ई प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे लगता है आई थिंक समझ में आया होगा। तो आपको अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा, इसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे विथ एडिशनल एक्सरसाइज। ओके, सो थैंक यू।